अवंतिका श्रीवास्तव, शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल आ रहा है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में अब राहुल गांधी नजर आते हुए। भारत न्याय यात्रा जो कि 14 जनवरी से 20 जनवरी तक 20 मार्च तक चलेगी, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा होगी। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत भारत न्याय यात्रा जिसे नाम दिया गया है। मुंबई में यात्रा का समापन होना है। 6200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी यात्रा, पैदल और बस से यात्रा की जाएगी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये दशा जो पहले आपने देखी है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पैदल सड़कों पर निकलते थे राहुल गांधी, भरपूर समर्थन भी मिला, अच्छा खासा रिस्पांस आपने देखा, अच्छी खासी भीड़ उनके साथ चलती थी। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई आपको नजर आएगी। अलग अलग राज्य जहां से होकर गुजरेगी यात्रा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आप इसे देख सकते हैं, चूंकि 24 में चुनाव भी हैं और जनवरी से यात्रा का आगाज हो रहा है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी, भारत न्याय यात्रा। हो सकता है कि इसका भी जो मैपिंग है, इसकी भी जो रणनीति है, बहुत गहन तरीके से रची गई हो। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा, अच्छा खासा समर्थन मिला है, राहुल गांधी की पहचान में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आया है और उसी के भरोसे ये माना जा रहा है कि भारत न्याय यात्रा भी अच्छे स्तर पर चल सकती है। हालांकि इस बार जोड़ने नहीं, न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे राहुल गांधी। 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी भारत न्याय यात्रा, मणिपुर से आगाज होगा, मुंबई पर समापन होगा। इस दौरान 6200 किलोमीटर तक का सफर तय होगा, पैदल भी चलते नजर आएंगे कुछ ऐसी जगह जहां पर चल ना सके तो बस का उपयोग भी करेंगे राहुल गांधी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के लिए यात्रा। और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में आपने पैटर्न भारत जोड़ो यात्रा का देखा है, कहीं ना कहीं कोई हित जरूर होता है किसी भी राजनीतिक यात्रा के पीछे किसी भी पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव भी हैं, अब हो सकता है कि उसके मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये समझा गया हो कि रूट क्या कुछ होने वाला है, अब कैसे यात्रा शुरू होगी, किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा से अलग लेकर चला जाए, कैसे इसे जनता तक पहुंचाया जाए, तमाम ऐसी चीजें जो पार्टियां अपने स्तर पर करती हैं। आपने देखा निरंतर कुछ कांग्रेस नेता जुड़ते गए भारत जोड़ो यात्रा से और आखिर तक राहुल गांधी के साथ थे। जयराम रमेश उनमें से एक है, योगेंद्र यादव रहे, लगातार राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मिलता रहा और इंडी अलायंस जो आप लगातार देख ही रहे हैं हलचल में, हो सकता है कि उनके कुछ नेता भी यात्रा का हिस्सा हों। फिलहाल भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी को लेकर ये जानकारी कि पूरी तरह से तैयार हैं, 14 जनवरी से यात्रा का आगाज करेंगे, 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा से अलग इसलिए होगी क्योंकि जोड़ने निकले थे पहले और अब न्याय दिलाने निकलेंगे राहुल गांधी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समझा उन्होंने पहले देश को और अब न्याय के लिए एक और पद यात्रा जो राहुल गांधी की तरफ से शुरू की जाएगी। अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला अगर भारत जोड़ो यात्रा का, उसी के बाद ये विचार निश्चित तौर पर आया होगा कि एक भारत न्याय यात्रा का आगाज भी होना चाहिए। फिलहाल मणिपुर टू मुंबई अभी तक यही तय हुआ है, धीरे धीरे कर जो पूरा रोड मैप है वो भी आपके सामने रखा जाएगा जब ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से बताया जाए कि कौन कौन सी जगह होंगी जहां पर विश्राम होगा, कौन सी जगह होंगी जहां पर